नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 65 खेला जाएगा 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मैच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2023 के मैच नंबर 65 के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर ले जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2023 के अभी तक 6 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिसमें से 4 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 173 रन का है और एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 157 रन का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2023 में खेले गए मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2023 में अभी तक इस मैदान पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, क्योंकि इस साल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार रही है। पहली पारी में इस पिच पर गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है और काफी अच्छा पेस और बाउंस आपको इस पिच पर देखने को मिलता है, जिस वजह से फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करना काफी आसान साबित होता है। और यही कारण है कि आईपीएल 2023 के जो 6 मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं उनमें से 4 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स में काफी बड़े स्कोर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2023 में जो 4 नाइट मैचेस इस पिच पर खेले गए हैं उनमें से 3 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते हैं, और उन 3 मैचेस में से 2 मुकाबले ऐसे थे जहां पे आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के ऊपर या फिर 190 के ऊपर देखने को मिला था। तो इस स्टैट से आप आइडिया ले सकते हो कि अगर इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बना देगी तो उस स्कोर को चेस करना इस पिच पर थोड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ये पिच थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, जिस वजह से जो स्लोअर बॉलर्स हैं उनको भी पिच से मदद मिलती है और दूसरी पारी में जो गेंदबाज हैं वो आपको ज्यादा हावी होते हुए नजर आते हैं। हालांकि दूसरी पारी में भी ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट इनिंग्स के कंपेयर करोगे तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम बड़ा स्कोर बना देती है तो जो स्कोरबोर्ड प्रेशर है वो भी चेजिंग टीम के ऊपर रहता है, तो ऐसे में स्कोर चेस करना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मैच में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकता है, और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 से 190 के बीच का स्कोर बना देगी तो उस टीम के मैच जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 के आसपास या फिर इसके नीचे बनता है तो वो स्कोर इस मैदान पर चेस भी हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो ये मैदान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जहां पर आपको स्क्वायर बाउंड्रीज 66 टू 69 मीटर्स की देखने को मिलेंगी, जबकि स्ट्रेट बाउंड्रीज 69 टू 71 मीटर्स की हैं। इसी वजह से आपको इस मैदान पर भी काफी ज्यादा चौके छक्के देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2023 के मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल एसआरएच का है आरआर के खिलाफ 131 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो एलएसजी ने किया है एसआरएच के खिलाफ पिछले मैच में 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो दिल्ली कैपिटल्स ने किया है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर।
और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मैच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 6 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 45 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 28 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 25 विकेट लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 20 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 14 विकेट्स मिले जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 7 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन आईपीएल 2023 में खेले गए 6 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। स्पेशली जो शुरुआती ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, वहां पर तेज गेंदबाजों को इस पिच से काफी मदद मिलती है क्योंकि उनकी गेंद स्विंग भी होती है, इसके अलावा उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है जिस वजह से वो आपको पावर प्ले ओवर्स में 2 से 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं। और इस मैच में भी जो पावर प्ले ओवर्स होंगे दोनों इनिंग्स के, उसमें आपको फास्ट बॉलर्स काफी इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इस पिच पर काफी अच्छा पेस और बाउंस भी मौजूद है, तो इस पेस और बाउंस का फायदा पूरे मैच में तेज गेंदबाजों को ही मिलता है जिस वजह से आपको पूरे मैच में फास्ट बॉलर्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच थोड़ा सा धीमी भी हो जाती है जिस वजह से मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को भी इस पिच से थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलता है। स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने आईपीएल 2023 में इस पिच पर काफी ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं और उनको इस पिच से काफी मदद भी मिली है। इस मैच में भी मुझे लगता है कि दोनों इनिंग्स के जो मिडिल ओवर्स होंगे उसमें आपको लेग स्पिनर्स काफी इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको मैच में एक बार फिर से फास्ट बॉलर्स का ही दबदबा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको एसआरएच की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे अनमोल प्रीत सिंह के साथ अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर आ सकते हैं राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर कैप्टन एडन माकरम, नंबर 5 पर विकेटकीपर हेनरिक क्लासन, नंबर 6 पर संदीप सिंह, नंबर 7 पर अब्दुल समाद, नंबर 8 पर मार्को येंसन, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर मयंक मार्कंडे और नंबर 11 पर फजल अक फरूकी आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब एसआरएच की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन अनमोल प्रीत सिंह की जगह पर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे विराट कोहली के साथ कैप्टन फैफ डुप्लेसी, नंबर 3 पर आ सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 4 पर महिपाल लोमरोर, नंबर 5 पर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पर माइकल ब्रेसवेल, नंबर 7 पर अनुज रावत, नंबर 8 पर वेन पार्नेल, नंबर 9 पर कर्ण शर्मा, नंबर 10 पर हर्षल पटेल और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आरसीबी की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज अहमद या फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर विजय कुमार वैश्यक दिनेश कार्तिक की जगह पर। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आमना सामना टोटल 22 मैचेस में हुआ है जिसमें से एसआरएच ने 12 मैचेस जीते हैं जबकि आरसीबी ने 9 मैचेस जीते हैं और एक मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में एसआरएच का पलड़ा थोड़ा भारी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लास्ट 5 आईपीएल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं तो वहां भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को एज हासिल है क्योंकि एसआरएच ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि आरसीबी की टीम 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो एसआरएच ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मैचेस जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आरसीबी ने भी जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मैचेस जीते हैं जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो रीसेंट फॉर्म के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की तो एसआरएच ने इस मैदान पर जो पिछले 10 मैचेस खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 40 है जबकि आरसीबी ने इस मैदान पर जो पिछले 10 मैचेस खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 20 है।
एवरेज स्कोर के मामले में भी एसआरएच की टीम बेहतर है 156, जबकि हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी एसआरएच की टीम बेहतर है 212, जबकि आरसीबी का 179 है, और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी एसआरएच की टीम बेहतर है 116, जबकि आरसीबी का 83 है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर ले तो आप सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से हेनरिक क्लासन के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 326 रन बनाए हैं 46 के एवरेज और 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राहुल त्रिपाठी को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 224 रन बनाए हैं 25 के एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप आरसीबी की तरफ से कैप्टन फैफ डू प्लेसी के साथ जा सकते हो, जो कि आईपीएल 2023 में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में 535 रन बनाए हैं 59 के एवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ग्लेन मैक्सवेल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 367 रन बनाए हैं 37 के एवरेज और 183 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले एसआरएच के बॉलर्स की बात कर ले तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 7.78 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म लेग स्पिनर मयंक मारकंडे के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी और 19 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि आप राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हर्षल पटेल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं 9 की इकोनॉमी और 19 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 6 मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 मैचेस जीते हैं और 8 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर हम दोनों टीमों को ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज आरसीबी का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में आरसीबी की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर के मामले में एसआरएच का पलड़ा भारी है, बैटिंग के डेप्थ के मामले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं, पेस बॉलिंग अटैक के मामले में मुझे आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और स्पिन बॉलिंग कंपैरिजन में भी आरसीबी की टीम थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है। तो इस समय अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज और फॉर्म वाइज आरसीबी की जो प्लेइंग 11 है वो मुझे ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरसीबी की टीम के लिए ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के नजरिए से, क्योंकि अगर आरसीबी की टीम ये मुकाबला हार जाती है तो फिर उनका प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले ही प्लेऑफ्स की दौड़ से एलिमिनेट हो चुकी है, तो ऐसे में वो अपनी प्राइड के लिए ये मुकाबला खेलेंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि इस मैच को जीतकर आईपीएल 2023 को हाई नोट पर एंड किया जाए। तो दोनों टीमों के बीच आपको एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इस मैदान की बात कर लें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर आरसीबी का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ काफी खराब है। एसआरएच और आरसीबी के बीच इस मैदान पर 7 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से आरसीबी ने सिर्फ 1 मैच जीता है जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6 मैचेस जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि एसआरएच की टीम इस मैदान पर आरसीबी के ऊपर काफी डोमिनेट करती है और ये रिकॉर्ड एसआरएच को इस मैच से पहले साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी देगा। लेकिन इस साल जिस तरह से दोनों टीमों की परफॉर्मेंस रही है उस लिहाज से आरसीबी की टीम को इस मुकाबले में एज हासिल है। हालांकि पिछले 3 मैचेस जो इन दोनों टीमों ने खेले हैं उसमें से 1 मैच जीता है और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से आरसीबी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के घर में इतने बड़े मार्जिन से हराया है उससे उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा और वही सेम कॉन्फिडेंस लेकर वो इस मैच में भी उतरेंगे। दूसरी तरफ एसआरएच की टीम अपने पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक हार चुकी है, तो जो विनिंग मोमेंटम है वो भी आरसीबी के साथ है, प्रेजेंट फॉर्म भी आरसीबी की काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंपेयर करने पर आरसीबी का पलड़ा इस मैच में थोड़ा सा भारी है और ऐसे में इस मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, आरसीबी या फिर एसआरएच? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।